जय हिंद साथियों, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं ऋषि और आपका अपने यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप लोग कैसा है, सब ठीक है? दोस्तों आज एक स्पेशल वीडियो लेके आओ CRPF टेक्निकल एंट्रेंसमेंट के लिए। दोस्तों बहुत ही एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आओ दोस्तों आप लोगों का सामने। आप लोग पूरा बिल्कुल रेडी हो जाए, क्योंकि पहले मैं आप लोग बता देता हूँ, देखिए बहुत ही ध्यान देने वाला है, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले आप लोगों का क्या होगा, उसका बाद क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। आप एंट्री से लेके पूरा आप लोग एग्जिट तक मैं बताऊंगा इसी वीडियो पर। देखिए पहले जो प्रोसेस होने वाला है आप लोगों का, गेट पर, जैसे ये गेट है, गेट पर आप एंट्री करना है और आपको आईडी प्रूफ चाहिए। उसी टाइम क्या चाहिए आपको, आईडी प्रूफ चाहिए। कोई भी आपको आईडी प्रूफ एक दिखाना है तब आपको एंट्री करने के लिए देगा। उसका बाद आपको कैसे गेट में एंट्री इधर बिठा देगा आपको, नहीं तो आपको अंदर आने के लिए, आने के बाद डायरेक्ट सीधे आपको लेके जाएगा किसके लिए, PST के लिए। PST होगा पहले। PST में क्या होगा दोस्तों, आप लोगों को सभी को पता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में। देखिए आपका हाइट मापेगा 170 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए, फीमेल के लिए जो बोर्ड बैठा रहेगा 157 सेंटीमीटर। और इसमें ऑफिसर रहेगा, चार आदमी आपको ऑफिसर मिलेगा इसमें, तीन या चार आदमी आप लोगों को ऑफिसर रहेगा इसमें। जैसे हाइट मेजरमेंट करेगा, उसके बाद जिसका आपको हाइट है आप खुद देखिए, शेड्यूल ट्राइबल के लिए इतना है, इसके बाद आप लोगों को ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए इतना है, उसके बाद रिंग ईस्टर्न, इसके बाद आपको 165 सेंटीमीटर इसका है, जिसका है आप खुद देख सकता है। ये सब कुछ होने के बाद आपको सेस भी मापेगा, क्योंकि PST में आपको, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको सेस भी मापा जाता है, 80 सेंटीमीटर फुल आना है 5 सेंटीमीटर। ये भी आपको जैसे हो जाएगा, होने के बाद आपको क्या करेगा, देखिए ये भी सेस्ट है जिसका रिलैक्सेशन आप खुद देख सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्या क्या होगा। ये जैसे आप लोगों का होगा PST एंड PET जैसे क्वालिफाइड करेगा, PST जैसे आपको मापेगा, उसका बाद ये है फर्स्ट प्रोसेस हो गया, फर्स्ट प्रोसेस है, इसका बाद आपको सीधा PET के लिए लेके आएगा। PET के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको लेके आएगा, जिसका रनिंग है 5 किलोमीटर, उसको रनिंग करने के लिए देगा 5 किलोमीटर या 1.6 किलोमीटर जो रनिंग है, रनिंग करने के लिए देगा। रनिंग में जो कैंडिडेट क्वालिफाइड करेगा, क्वालिफाइड करने के बाद आपका आ जाता है सीधा ट्रेड टेस्ट। क्या आ जाएगा, ट्रेड टेस्ट आएगा। देखिए ट्रेड क्या है, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जैसे क्वालिफाइड होगा, देखिए फिजिकल में जो आउट हो गया, हाइट या सेस में जिसमें आउट हो गया, उनको मौका नहीं मिलेगा ट्रेड टेस्ट के लिए। जो क्वालिफाइड होगा उसको मौका मिलेगा, क्वालिफाइड जैसे हुआ है ट्रेड टेस्ट के लिए मिलेगा। ट्रेड टेस्ट में आप लोगों को, इसमें भी आपको बोर्ड में आदमी रहेगा, पहले आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट, उसका बाद आप लोगों को क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ट्रेड टेस्ट जैसे क्वालिफाइड करेगा, DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप लोगों का मेडिकल के लिए आप लोगों को मिल जाएगा मौका, मेडिकल। इसमें आप लोगों को कोई लिस्ट नहीं जारी होगा, सीधा आप लोगों को जो क्वालिफाइड होते रहेगा उसको मेडिकल तक पहुंचा जाएगा। देखिए PET में क्या क्या होगा, किसका क्या है आप खुद देखिए। सिटी ड्राइवर के लिए है, मोटर मैकेनिक, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर, ब्रेसमैन, पाइप बैन, कोबलर, टेलर के लिए 5 किलोमीटर रनिंग 24 मिनट, 1.6 किलोमीटर रनिंग 8.5 मिनट, ये फीमेल के लिए। सिटी बेगुलर के लिए भी हुई है 5 किलोमीटर रनिंग। इसके बाद आ जाता है सिटी को वाटर गेडर, बारवर, हेयर ड्रेसर, वाशरमैन, वाशरवमैन, सफे कर्मचारी के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग 10 मिनट, 1.6 किलोमीटर रनिंग 12 मिनट में फीमेल के लिए। ये जैसे आप कंप्लीट करेगा, इसमें आप लोगों को देखिए पियोनियर विंग हो गया, ये सब कुछ कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को मौका मिलेगा आपको ट्रेड टेस्ट में। बता दिया ना आपको, PST एंड PET जैसे हो जाएगा आपको ट्रेड टेस्ट के लिए आप लोगों को लेके आएगा। ट्रेड टेस्ट में जैसे क्वालिफाइड होगा, उसके बाद आप लोगों को आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसमें जैसे आप लोगों का सब कुछ चेकिंग होगा, उसको बाद मेडिकल के लिए आप लोगों का प्रोसेस स्टार्ट होगा। मेडिकल के लिए आपका सब कुछ, मेडिकल के लिए ब्लड देना है आपको, पूरा आई नाक हो गया जो भी है मेडिकल वगैरह वगैरह। मेडिकल टेस्ट में आप लोगों को लगभग एक दिन मिल जाएगा, एक दिन लगेगा लगेगा, क्योंकि आपको ब्लड सुबह देना है, उसके बाद आपका मेडिकल, उसी दिन आपका मेडिकल नहीं होगा जिस दिन आपका PST ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका एक दिन में होगा। उसका दूसरा दिन है, ये जो दूसरा दिन है, दूसरा देश जो है, सेकेंड डेज में आपको मेडिकल होगा, ब्लड देना है सुबह, उसके बाद मेडिकल सारा प्रोसेस होगा, और लास्ट मुझे लग रहा है तीसरा दिन है आप लोगों का रिपोर्ट मिलेगा। तीसरा दिन आपका फाइनल, जो मतलब तीसरा दिन रिजल्ट आ जाएगा किसका, इसका PST हो गया, PET हो गया, ट्रेड
टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकली सब कुछ एक ही साथ आएगा। आपका रिपोर्ट कब आएगा, क्योंकि बाकी तो आपको पता ही रहेगा, क्योंकि बाकी पास होगा तभी तो आपको मेडिकल मिलेगा। मेडिकल जैसे क्वालिफाइड होगा उसका बाद ही आप लोगों का रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आप लोगों को आएगा आप क्वालिफाइड या डिसक्वालीफाइड, इसमें आपको कोई मार्क नहीं रहेगा। इसका जैसे अगर उसका बाद आपको इंतजार रहेगा फाइनल मेरिट के लिए। फाइनल मेरिट आप लोग बहुत ही जल्दी आएगा, क्योंकि ये जो मेडिकल ये आपको होने वाला है 10 अगस्त तक होगा, 10 अगस्त तक चलेगा। इसलिए आप लोगों को क्या है अच्छा से मेहनत करना है। PST PET के साथ आप लोगों सब कुछ एक ही साथ हो रहा है, इसलिए आप लोग प्रॉपर तरीके से आना है। आपको साफ सफाई करके मेडिकल भी हो रहा है, मेडिकल दूसरा दिन होगा, इसलिए आप लोगों को एडमिट कार्ड में भी बोला है 2 दिन के लिए आप लोगों को आने के लिए बोला है। और ट्रेड टेस्ट में कैसे क्या क्या करना है मैं आप लोग पहले भी बता दियो, नॉर्मल होगा। सबसे ध्यान देने वाला चीज़ है आपको PST एंड PET में, बाकी आपको ट्रेड टेस्ट में इतना कैंडिडेट क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड नहीं होगा। इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आउट होगा। PST एंड PET लगभग 50% कैंडिडेट इसमें आउट हो जाएगा, इसलिए इसमें 50% कैंडिडेट में आपका नाम नहीं आना चाहिए। जो मेहनत करेगा जरूर आएगा, पास होगा। सिर्फ फिजिकल और मेडिकल के लिए ध्यान दीजिए, मेडिकल में भी बहुत कैंडिडेट आउट होगा। और आप लोगों में सारा प्रोसेस में बता दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई ये नहीं करेगा, डॉक्यूमेंट्स पूरा प्रॉपर दिखाना पड़ेगा। क्या क्या आप लोगों में बता देता हूँ, देखिए मैट्रिकुलेशन आपको एडमिट कार्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्रूफ एज होना चाहिए, नेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, डोमेसाइल सर्टिफिकेट एंड परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट जो PRC बोलता है वो भी आपका पास होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं होने से भी चल जाएगा, एफिडेविट भी लेके आ जा सकता है। इसके बाद आप लोगों को चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट भी आपका पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट अभी सेंट्रल का नहीं है तब भी आप स्टेट का लेके आ सकता है, नहीं तो आपको आउट कर सकता है। इसके बाद आपको फोटोकॉपी भी आपका पास होना चाहिए। उसके बाद SC ST OBC का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद रिजर्वेशन किसी को चाहिए आपको, रिजर्वेशन किसी को S के लिए चाहिए या आपको हाइट या चेस्ट मेजरमेंट के लिए भी आपको रिलैक्सेशन चाहिए। 6 NXSC आपको बनाना ज़रूरत पड़ेगा तभी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसमें दिया ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंडिडेट हुआ है अप्लाई 4 सिटी ड्राइवर के लिए ड्राइविंग लाइसेंस है। IT सर्टिफिकेट जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट हो, CTMMV फिटर के लिए जो है ITI सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स आप लोगों में सब कुछ मैं बता दिया हूँ। और अच्छा अच्छा आप दीजिए, कोई किसी का गलती है स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए आप एफिडेविट रख सकता है। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो हेल्पफुल हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना। जय हिंद, बोले माता।